हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू यू आई ऑनलाइन क्लासेस। उपसर्ग की ओर चलते हैं, यानी उपसर्ग को अलग करके लिखना। उपसर्ग के बारे में हमने पहले भी बताया था कि उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी भी शब्द के आगे आकर के लग जाते हैं और एक नए शब्द का निर्माण करते हैं जिसका अर्थ अलग होता है, कुछ बदल जाता है। तो यहां पर है कौन नंबर संस्कार, कौन नंबर संस्कार, उसे हमने तोड़ा हुआ है, विच्छेद किया है, तो सम जोड़ का बराबर संस्कार, अर्थात सम ये आगे का निकास शब्दांश है जो आगे आकर जुड़ जाता है, तो इसमें सम जुड़ गया है और यही है उपसर्ग। परिश्रम, परि जोड़ श्रम, परि आगे जुड़ा हुआ है और यही निकल गया, तो ये हो गया उपसर्ग। संकल्प, सम जो कल्प, ये आगे कल्प के आगे सब जुड़ा हुआ है, ये सम हो गया उपसर्ग। अनुशासन, अनु प्लस शासन, अनु शासन के आगे आया हुआ है और यही आपका उपसर्ग है। प्रतिष्ठा, प्रति जो निष्ठा अर्थात प्रतिष्ठा, ये प्रति शब्द जो है शब्दांश जो है वो उपसर्ग है। उपस्थित, उपजोड़ स्थित, इसमें उप है। सहर्ष, सौ प्लस हर्ष, सौ हो गया। नियंत्रण, नी प्लस यंत्रण, इसमें नी हो गया। तो ये उपसर्ग के शब्द है, शब्दांश है। कभी कभी क्या इसमें ऐसा भी कहता है, ये दिया हुआ रहेगा अगर सम परि सम अनु प्रति उप सौ नी, इससे एक एक शब्द का निर्माण करें तो आप ऐसे शब्द का निर्माण कर सकते हैं। चलिए अब इसे और आगे हम लोग पढ़ें, यानी अब हम लोगों को जानना है कि वाक्य के बारे में। तीन प्रकार के वाक्य होते हैं, वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। प्रथम सरल वाक्य, द्वितीय संयुक्त वाक्य, तृतीय मिश्र वाक्य। अब इसे जानने कि किसे सरल, किसे संयुक्त और किसे मिश्र वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य, तो इसमें हम लोग ये जाने कि योजक, योजक को भी अगर लोग छोड़ दें, कहता है कि सरल वाक्य वैसा वाक्य होता है, वह वाक्य होता है जिसमें एक क्रिया होती है ना, एक क्रिया होती है। उदाहरण के तौर पे मान लें कि हम थोड़ी देर बैठते हैं, एक क्रिया है। तो जिसमें, जिस वाक्य में एक क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। अब हम लोग संयुक्त वाक्य में आते हैं दूसरा, तो संयुक्त वाक्य क्या कहता है, इसमें योजक शब्द से जोड़ करके संयुक्त वाक्य बनाया जाता है और इसमें क्या होता है, दो क्रियाएं होती हैं और दोनों को योजक के द्वारा मिलाकर एक कर दिया जाता है। इंग्लिश में इसको कंजक्शन भी आप कहते हैं, और लगाते हैं, क्योंकि लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं, तथापि लगाते हैं, है ना। तो जैसे हम थोड़ी देर बैठते हैं, एक वाक्य है कि हम थोड़ी देर बैठते हैं और दूसरी वाक्य है कि हम बातें करते हैं, ये दो अलग अलग वाक्य हैं और दोनों वाक्य को मिलाने के लिए हमने इसमें और का प्रयोग किया है। तो हम थोड़ी देर बैठते हैं और बातें करते हैं, ये संयुक्त वाक्य हो गया। अब तीसरा है मिश्र वाक्य, अर्थात इनमें एक को मुख्य और दूसरे को है ना गौण बना करके मिश्र वाक्य बना सकते हैं, अर्थात वैसे वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक क्रियाएं होती हैं जिन्हें मिलाकर एक वाक्य बना दिया जाता है और इसमें एक क्रिया को मुख्य रूप से रखा जाता है और बाकी को गौण कर दिया जाता है। अर्थात जब हम थोड़ी देर बैठते हैं तो बात करते हैं, सेंटेंस वही था, हम थोड़ी देर बैठते हैं, एक दूसरा था हम बातें करते हैं। तो इसे जब मिला दिया हमने, तो जब हम थोड़ी देर बैठते हैं तो बातें करते हैं, ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। अब इसे बनाने के लिए भी दिया गया है,
कि सरल वाक्य संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में तब्दील करना है। जैसे पहला है कि मास्टर रेजे ने समारोह से पहले नवयुवक को बुलाया। समारोह से पहले मास्टर साहब ने किसे बुलाया? नवयुवक को बुलाया, एक सेंटेंस हो गया। और दूसरा सेंटेंस हो गया, दूसरा वाक्य हो गया, वे उससे कुछ पूछना चाहते थे। अब इसको यदि सरल वाक्य बनाना है तो आप लिख सकते हैं कि मास्टर रेजे ने समारोह से पहले नवयुवक को कुछ पूछने के लिए बुलाया, तो यह सरल हो गया। अगर इसे संयुक्त में बदलना है तो हम लिखेंगे, आप लोग अपने अपने उत्तर पुस्तिका पर कॉपी पर लिख लेंगे या बुक में जहां पर ये रिक्त स्थान है वहां पर भी आप उसे भर सकते हैं। तो संयुक्त वाक्य बनाने के लिए इसे करते हैं कि मास्टर रेजे ने समारोह से पहले नवयुवक को बुलाया और कुछ पूछना चाहा, यानी और लगा दिया, ये संयुक्त वाक्य हो गया, दोनों को मिला करके एक कर दिया। मिश्र वाक्य जब इसे हम बना रहे हैं तो क्या कहेंगे, क्या लिखेंगे? मास्टर रेजे ने समारोह से पहले नवयुवक को बुलाया ताकि उससे कुछ पूछा जा सके। दूसरा सवाल है कि नवयुवक ने अपने प्रयास जारी रखा, अपना प्रयास जारी रखा, एक सेंटेंस हो गया, और अगले वर्ष वह पुनः मास्टर रेजे से मिला। अब इसको सरल वाक्य में तब्दील करना है, बदलना है ना, चेंज करना है, तो हम लिखेंगे सिंपल सेंटेंस में, सरल वाक्य में, कि नवयुवक ने अपना प्रयास जारी रखते हुए अगले वर्ष पुनः मास्टर रेजे से मिला। वहीं संयुक्त वाक्य में नवयुवक ने अपना प्रयास जारी रखा और अगले वर्ष पुनः मास्टर रेजे से मिला। यदि हम इसे मिश्र वाक्य में बदले तो हम लिखेंगे नवयुवक अपना प्रयास जारी रखकर अगले वर्ष पुनः मास्टर रेजे से मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है, यानी सेंटेंस दिया हुआ है, वाक्य दिया हुआ है कि तुम ब्लैक बेल्ट पाने के योग्य हो, तुम इस सम्मान को ग्रहण करो। आप सरल वाक्य बना सकते हैं, तुम ब्लैक बेल्ट पाने के योग्य होने के कारण सम्मान ग्रहण करो। संयुक्त वाक्य में तुम ब्लैक बेल्ट पाने के योग्य हो आता इस सम्मान को ग्रहण करो, और यदि मिश्र वाक्य में बदले तो होगा ब्लैक बेल्ट पाने योग्य होने के कारण तुम इस सम्मान को ग्रहण करो। ठीक है, तो अब आपका लास्ट एक और आता है, अपठित गद्यांश, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज। अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पेज नंबर 90 में ये गद्यांश दिया हुआ है और नीचे कुछ सवाल भी दिए हुए हैं, उन सवालों के जवाब देने हैं। मैं उन सवाल का जवाब बता रहा हूं, आप अपने अपने उत्तर पुस्तिकाओं पर उसे लिखते हैं। कौन नंबर क्वेश्चन है, मार्शल आर्ट क्या है? मार्शल आर्ट क्या है, जिसका सही जवाब है मार्शल आर्ट लड़ाई की कलाएं, विधिबद्ध अभ्यास की प्रणाली और बचाव के लिए प्रशिक्षण है। मैं एक बार फिर बोल दूं, मार्शल आर्ट लड़ाई की कलाएं, विधिबद्ध अभ्यास की प्रणाली और बचाव के लिए प्रशिक्षण है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, दूसरे सवाल पर आते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, प्रश्न है कि आजकल यह किस रूप में परिवर्तित हो रहा है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इस पैसेज में खोलें और उसे अपने भाषा में लिखें, तो इसका जवाब होगा आजकल यह खेल के रूप में परिवर्तित हो रहा है। किस रूप में? खेल के रूप में, है ना, पुनः आप सुनें, आजकल यह किस रूप में परिवर्तित हो रहा है? आजकल यह खेल के रूप में परिवर्तित हो रहा है। ओके, अब हम लोग सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं कि मार्शल के प्रशिक्षुओं का परीक्षण कब होता है। इसका जवाब मैं आपको बता रहा हूं, इसे भी लिखिए। मार्शल के प्रशिक्षुओं का समय समय पर आवधिक परीक्षण होता है। मार्शल के प्रशिक्षुओं का समय समय पर आवधिक परीक्षण होता है। घ नंबर, इसमें अंक योजना किस प्रकार की होती है? सवाल नंबर 2, इसमें अंक योजना किस प्रकार की होती है? आप लिखें, इसमें अंक योजना ग्रेडिंग के आधार पर होती है।
इसमें अंक योजना ग्रेडिंग के आधार पर होती है। लास्ट क्वेश्चन है कि परीक्षण के मायने किनमें अलग अलग होते हैं, परीक्षण के मायने किनमें अलग अलग होते हैं, तो इसका सही जवाब होगा परीक्षण के मायने भिन्न भिन्न पद्धतियों में अलग अलग होते हैं। परीक्षण के मायने भिन्न भिन्न पद्धतियों में अलग अलग होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, आपको होमवर्क दिया हुआ है। पहली बात है कि आशय स्पष्ट करें, उसे लिखें, कौ को इसके बाद इसे याद भी करें। धन्यवाद।